ये एक ऐसी फिटनेस वर्कआउट बाइक है जिससे ना सिर्फ आप अपनी फिटनेस बना सकते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए ताज़ा ताज़ा आटा, चाहे वो गेहूं का हो, मक्की का हो, या यहाँ तक कि चावल भी पीस सकते हैं। साथ साथ आप घर में जो काम आने वाले मसाले हैं उनको भी आप पीस सकते हैं। 15 मिनट में 1 किलो आटा इस फिटनेस वर्कआउट बाइक को चलाकर आप पी सकते हैं। साथ साथ 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, यानी कि जो जिम का खर्चा है वो भी बचेगा, आटा चक्की पे जो आप आटा पिसवाते हैं वो खर्चा भी बचेगा, मसाले पिसवाते हैं वो खर्चा भी बचेगा आपका, और साथ साथ आप अपना स्वास्थ्य अच्छा कर पाएंगे, फिटनेस बना पाएंगे। तो इतनी करामाती ये फिटनेस बाइक है। इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ कोटकपुरा, जो कि भटिंडा से 45 किलोमीटर दूर है पंजाब में, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स ये बाइक बनाती है फिटनेस वर्कआउट बाइक जो आटा चक्की का भी काम करती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के मालिक राहुल छिब्बर से। डेमो तो बहुत ज़बरदस्त था और मैं आपको बताऊँ, मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी कंफर्ट लेवल पे अगर आप कैलोरीज बर्न करते हो जी, तो इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता जो आपको कैलोरीज भी बर्न कर रहा है, साथ साथ आपको मसाले भी पीस के दे रहा है। यानी कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो बड़ी खुश रहेंगी कि एक तो घर में उनको जिम मिल रहा है, ऊपर से जो मसाले हैं, गेहूँ हैं, एकदम शुद्ध वो अपने मन का आटा पी सकती हैं और वो चाहे महीन, चाहे बारीक, चाहे दलिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल, साइड पे इसके नॉब है सर, एडजस्टेबल नॉब लगी हुई है, प्रेशर नॉब है। बिल्कुल, मतलब जी, उससे आप कम्बर कर सकते हैं, मतलब जो ग्रेन साइज है, आटा महीन कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इतना कम्फर्ट है, मतलब पैरों में दर्द नहीं हो रहा और ऊपर से पीछे बैक रेस्ट है, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ कम्फर्ट। जो आपके स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट रहती है। और ये जो मीटर है इसमें आप, मैं देख पा रहा हूँ, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्कैन है, आरपीएम है और कैलोरी, यानी कि ये सब जो फीचर्स जो आपको नॉर्मल मॉडर्न फिटनेस बाइक्स में मिलती हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अब मिल तो रहे हैं साहब, लेकिन यहाँ दो दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो ग्रेन ग्राइंडिंग हो रही है, ऊपर से फिटनेस बाइक भी है, तो क्या कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी? तो राहुल जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कितनी कॉस्ट है इसकी सर? सर, कॉस्ट की बात यह है, इसका रेट हमने बहुत ही रीजनेबल रेट रखा है। इसकी हमने कीमत रखी है सिर्फ 17,500 रुपया, 17,500 में। और ये जीएसटी टैक्स मिला के है? इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस अक्रॉस इंडिया। वाह, बहुत बढ़िया, मतलब 17,500 रुपये में आप ये बाइक ले सकते हैं, और वो भी आपके घर के डोर स्टेप पे।
तो कैसे कुरियर करते हैं सर, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है ख़रीदने का इसका? सर इसके लिए हमने एक बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा है कि कस्टमर को 2500 रुपया 2500 कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। बुकिंग अमाउंट हमारे अकाउंट में देना है। हम यहाँ से उसके गिवन एड्रेस पे मशीन को कुरियर करेंगे। जब उनके एरिया में मशीन पहुँच जाएगी तो हमारा एग्जीक्यूटिव उनको कॉल करेंगे। कस्टमर अपने कुरियर ऑफिस में जाके मशीन को चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद जो पेंडिंग अमाउंट है 15,000 जो पेंडिंग अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने के बाद हम यहाँ से उनकी DOD कैंसिल करवा देते हैं, जिससे कोरियर कंपनी वालों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उनके घर पे जाकर डिलीवर कराए मशीन। uberagri.com हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट के अलावा आप इंडिया मार्ट पे भी इंक्वायरी डाल सकते हैं, हम वहाँ भी उपलब्ध हैं। आप जो ये चैनल देख रहे हैं बिजनेस कैसे करें, इसके साथ इसके नीचे भी आपको इंक्वायरी दी गई है, इस पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हो और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ भी सभी नंबर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आपको कभी भी आप कॉल कर सकते हैं वर्किंग हॉर्स में। इसकी कोई आफ्टर सेल्स वारंटी है, गारंटी है, या कोई रिपेयर का प्रॉब्लम आता है तो क्या ये सब मिल सकते हैं? बहुत आसानी से सर, इसका रिपेयरिंग का ऐसा है, आपके वहाँ पे एरिया का जो नॉर्मल बाइक मैकेनिक है वो इसको आसानी से रिपेयर कर लेगा। इसमें रिपेयरिंग वाला आपने देखा है कुछ भी नहीं है। जो इसका ग्राइंडिंग यूनिट है उसमें हमने इसमें एमरी स्टोन लगाया है, जिसकी लाइफ जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर हम एवरेज डेली 2 घंटे भी इसको चलाते हैं तो कम से कम 10 से लेकर 15 साल की उसकी लाइफ है जी। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहो तो बहुत एक नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है, 1800 रुपये में हम वो आपको स्टोन दे देंगे जी, उसको आप घर बैठे चेंज कर सकते हो, वो भी 12-15 साल के बाद। बिल्कुल, आज से 15 परचेज करने के, मशीन परचेज करने के 12-15 साल के बाद जाके आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज़ जी। और साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती तो क्या पूरी मशीन 50 किलो की ले जानी पड़ेगी रिपेयर वाले के पास, या इसको खोल के घर में खोल के ले जा सकते हैं? सर इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम टू टाइम दिक्कत क्या आएगी, आप इसमें ऑयलिंग कीजिए, जैसे चेन पे ऑयल कीजिए, जो बैरिंग्स हैं बिल्कुल जी, इसके हमने ग्रीस पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ पे आप ग्रीसिंग कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टाइम टू टाइम अगर ज़्यादा हो सकता है, इसकी चेन खराब हो सकती है, लूज़ हो सकती है, तो चेन टाइमली आप साइकिल से चेंज करवा सकते हैं जी। और बहुत मुश्किल नहीं होता मेरे ख्याल से चेंज करना, तो वो तो कोई भी आपके हर घड़ी नुक्कड़ पे आपको बिल्कुल साइकिल रिपेयर वाला मिल ही जाता है, जो घर में आके भी रिपेयर कर सकता है जी। मेरी कुछ क्वेरीज हैं तो आप उन क्वेरीज को कैसे एड्रेस करते हैं, क्या आपने कोई प्रोसीजर बना रखा है, और अगर मेरे को ख़रीदनी है तो मैं आपको कैसे कंटेक्ट कर सकता हूँ एज ए बायर, क्योंकि मैं आया हूँ कोटकापुरा में फरीदकोट, ये आपके फरीदकोट रोड पे है, बठिंडा से 45 किलोमीटर दूर, लेकिन हो सकता है जो मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हों और वो इतने टैम्पटिंग लगे उनको ये वीडियो कि वो ये ख़रीदना चाहें, पर वो 17,500 की कोई बाइक ख़रीदने के लिए शायद या ना आ पाए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उनके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, अनटिल अनलेस उनको डीलरशिप चाहिए, तो उस केस में कैसे वो ख़रीद सकते हैं सर? तो उस केस में हमने एक बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है, जो हमारा ब्रांड नेम है छिबर, हमारा जो कंपनी का नाम है छिबर एग्री इक्विपमेंट, जैसे कि आपको बताया हम विश्वास रखते हैं रिलेशन बनाने में, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में, और क्वालिटी में हमारा विश्वास है। हम कस्टमर को एश्योरेंस देते हैं कि जो प्रोडक्ट हम देंगे उसकी क्वालिटी की हम एश्योरेंस लेते हैं। कस्टमर हमारे पास अगर डायरेक्टली आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, किसी भी टाइम हमारे पास आ सकता है, हमारी फैक्ट्री में विजिट करे, हमारे ऑफिस में आए, हमारे बाकी प्रोडक्ट्स भी देखे। अगर वो ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो हमारे जो मोबाइल नंबर हैं 9855219706, ये मेरे छोटे भाई पारुल जी का नंबर है, और मेरा नंबर है 9814231007, ये दोनों नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibaragri.com, आप हमारे मोबाइल पे हमें कॉल कीजिए, टेक्स्ट मैसेजेस कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अनफॉर्चुनेटली कई बार अगर आपकी कॉल हम ना उठा पाएँ, कई बार हम ड्राइविंग में हैं या रात के टाइम हम आपकी कॉल ना उठा पाएँ, तो उसके लिए कस्टमर को हम ये कहेंगे कि आप हमें व्हाट्सअप पे एक सिंपल मैसेज ड्रॉप कीजिए, अगले दिन हमारे एग्जीक्यूटिव जो टेली स्टाफ है हमारा वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी उसका वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं छिबर एग्री इक्विपमेंट में कॉलिंग सेंटर में काम कर रही हूँ, जो हमारे दूर बैठे हुए कस्टमर हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं ताकि उनको सेटिस्फाई कर पाएँ, और जो भी उनकी कॉलिंग आती है हम उन कॉल को अटेंड करते हैं,
और जो भी उनको मशीन चाहिए होता है उसके लिए उनको सारा बताया जाता है, मशीन की डिटेल बताई जाती है। जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो आप वो बुकिंग के लिए हमें बोलते हैं कि बुकिंग प्रोसेस क्या है, तो उनसे एड्रेस वगैरह लेके उनको बुकिंग अमाउंट का जो भी होता है वो हम बताते हैं, उनको प्रोसेस बताते हैं सारा। जब यहाँ से उनका मशीन डिस्पैच होता है, वुडन बॉक्स में हम पैक करके डिस्पैच करते हैं, तो यहाँ से निकलता है, उसके बाद उनको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। उसके बाद जब उनके पास मशीन पहुंच जाता है तो कस्टमर को जो असेंबलिंग करवानी होती है मशीन की, वो हम अपने टेक्नीशियन से बात करवा के उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। और ये मशीन लेने के बाद वो कस्टमर दूसरी बार मशीन लेने की डिमांड करते हैं कि हमने आपसे ही मशीन लेना है, क्योंकि उनको हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो हमें बार बार कॉल भी करते हैं और इसलिए वो हमारे टच में भी रहते हैं। मेरा जो स्टाफ है यहाँ पर, कॉलिंग का स्टाफ है, मैं उनकी रिपोर्टिंग लेती हूँ। मुझे ये जानना होता है कि किसके पास किसकी कितनी इंक्वायरी आ रही है। हमारी बहुत सी मशीनरीज होती हैं जिनका एक एक मशीनरी का हमें रिपोर्टिंग लेना पड़ता है, क्योंकि उस मशीनरी की रिपोर्टिंग आगे सर के पास जाती है। तो इसीलिए हम एक फैमिली की तरह यहाँ पर काम करते हैं। हमारे जो भी इश्यूज होती हैं रिगार्डिंग मशीन, हम क्लियर करते हैं दूसरे के साथ। जैसे किसी कॉलिंग स्टाफ को, हमारे एग्जीक्यूटिव को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आके पूछती हैं, तो मैं उनके बारे में उनको समझा देती हूँ कि जो भी इंक्वायरीज़ है, जो भी मशीनरी के बारे में उनको कुछ जानकारी चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो मैं उनको वो बता देती हूँ। आगे वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करते, क्योंकि कस्टमर भी हमारी एक फैमिली ही है, क्योंकि हम उनके घर तक मशीन को पहुँचाते हैं। हमारा यही मोटिव रहता है कि उनके पास एक सेफली तरीके से मशीन उनके पास तक पहुँच जाए और उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इश्यूज़ ना आए हमारी मशीनरी के रिगार्डिंग, ताकि वो नेक्स्ट ऑर्डर हमें खुशी खुशी दें और हम उनका ऑर्डर ले सकें। वैसे आपको ये एड्रेस चलता हुआ भी मिल जाएगा समय समय पर इस वीडियो में, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप देख पाएंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया नोएडा से चल के 450 किलोमीटर, बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा शहर है, प्यारा सा शहर है, लोग अच्छे हैं बड़े, इट गिव्स यू अ होमली एटमॉस्फियर और आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं यहाँ पे। ये मैं देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट भले ही आप सोच रहे हो कि ये तो कोई अर्बन एरिया में, मेट्रो एरिया में घर के लिए प्रोडक्ट है, बट बिलीव मी यहाँ पे इतने सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आने वाले इक्विपमेंट है जो मैंने भी नहीं देखे थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारी खुद की जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, वो इतनी एडवांस हो सकती है क्या। और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे कुछ हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स हैं, बट दे कैन रिवोल्यूशनलाइज कि हाउ यू वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दैट कैन बी एनहांस मल्टीपल टाइम्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इनकम है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज दैट एंड मल्टीफोल्ड, देन परहैप्स यू शुड विजिट चिब्बा एग्री इक्विपमेंट हियर इन कोटकापुरा, एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सप्लोर डिफरेंट इक्विपमेंट। और एक बार आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कितने अच्छे लोग हैं। पारुल भाई और राहुल भाई दोनों मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट्स, उनको एक विश्वसनीय क्रेडिबल प्रोडक्ट देने की बात है, जहाँ पे लोग सच में जो अपनी ज़िंदगी है बेहतर बना पाएँ, चाहे वो रोज़गार का माध्यम हो, चाहे वो फिटनेस की बात हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल राहुल जी कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। मोस्ट वेलकम सर, थैंक्स आपका भी कि आपने समय निकाला, हमारे एक छोटे से शहर कोटकपुरा में हमारे पास आए, हमें अपॉर्चुनिटी दी आपने कि आपके चैनल पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस प्रोडक्ट की एक खास बात जो है कि WHO के मुताबिक ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है, राहुल जी आपको बताएंगे और उस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जो कमेंट हैं वही हमें आगे आपके बारे में बताएंगे, आप क्या सोचते हैं, किस तरह के वीडियो हम बताएं। तो सर पहले आप बताएं मुझे। सर जैसे कि ये साइकिल हमने डिज़ाइन किया, इसको हमने पर्टिकुलरली कोई एक एज ग्रुप को मन में रख कर नहीं बनाया है, ये चाहे कोई यंग जनरेशन में है, किड्स हैं, चाहे यंग हैं, चाहे ओल्ड एज में है, कोई भी आसानी से इसको चला सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल WHO की भी रिकमेंडेशन है कि जितने जो आजकल हम डाइट कॉन्शियस हम लोग नहीं रहे हैं, जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं उस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं, हाई BP कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो डॉक्टर भी उनको रिकमेंड करते हैं कि साइकिलिंग कीजिए। तो ये प्रोडक्ट जो है इससे आपका डबल बेनिफिट है, हेल्थ का भी बेनिफिट है और साथ के साथ आपको स्वाद भी मिल रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता लग रही है, आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ साथ अगर आप चाहते हैं मैं किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं,
तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने मुझे कहा है मैं उसको करूं और आप तक वो बात जानकारी वो पहुंचाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली स्टोरी के साथ जल्द आपको मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।